मैं हमेशा ओवर एक्साइटेड, मतलब एंथू कटलेट हूँ मैं हमेशा ये सब के लिए एक्साइटेड रहती हूँ. एंड आई नो व्हाट आई नो हाउ आई वांट टू लुक लाइक एंड एवरीथिंग. सो मैं बहुत क्लियर होती हूँ अपने लुक को लेकर, इसलिए मैंने अपने जो कपड़े हैं एक दिन पहले ही रेडी कर लिए थे. आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे किस टाइप का मेकअप चाहिए, किस टाइप के बाल चाहिए. सो आई नो, आई थिंक हर एक को पता होना चाहिए कि उन पे क्या अच्छा लगे. लाइक वी बीन वर्किंग सिंस सो मेनी इयर्स, तो हमको पता है कि हम पे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है. सो या, बट कभी कभी हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं. सो कभी कभी एक्सपेरिमेंट अच्छे हो जाते हैं, कभी कभी रॉन्ग चले जाते हैं, बट दिस टाइम वी न्यू व्हाट वी वांटेड. मॉडर्न ब्राइड की, आजकल की ब्राइड हम ये भी कर सकते हैं, यू नो आजकल बहुत सारे लोग इंडियन के नीचे स्पोर्ट्स शूज भी पहनते हैं. सो दैट्स अ लिटिल एडिंग अ लिटिल मॉडर्न ट्विस्ट. या मुझे तो दोनों ही आउटफिट्स शूट करने में बहुत मज़ा आया, बिकॉज दोनों लुक एक दूसरे से अलग थे. एक थोड़ा, जैसे आपको मैंने बताया कि मॉडर्न ब्राइड थी, जिसमें हमने बूट्स पहने थे और ग्रीन कलर का लाइट आउटफिट, स्ट्रेट बाल रखे थे, ज्वेलरी के साथ भी करे और ज्वेलरी के बिना, लाइक विदाउट ज्वेलरी ऑल्सो हमने शूट किए. तो और इसमें हमने वो टिपिकल इंडियन लुक रखा है, विथ अमांग टीका, विथ यू नो ब्रेसलेट, विथ चोकर, हैवी चोकर, कर्ल्स एंड डार्क कलर. सो या, दोनों अलग लुक हैं. वही कपड़े पहनती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, तो नॉट नेसेसरी. इंडियन तो ऑब्वियसली ब्यूटीफुल लगता है, बट वेस्टर्न भी कपड़े काफ़ी हैं जिनमें मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ. तो वो मूड के ऊपर डिपेंड है कि इंडियन पहनना है कि वेस्टर्न पहनना है. सो टू ऑल द ऑडियंस ऑफ ई टाइम्स, आई होप यू गाइज एंजॉयड द BTS ऑफ माई फोटोशूट, एंड कीप वॉचिंग द स्पेस फॉर मोर. लॉट्स ऑफ लव.